हे गाइस, दिस इज़ अनुराग जैन। यू आर वाचिंग नॉलेज प्रोवाइडर। गाइस, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है इंग्लिश 50 मार्क्स के थर्ड प्रोज सेक्शन से थर्ड चैप्टर गुड मैनर्स। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे केवल आपको 10 ऑब्जेक्टिव जो मुझे लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, बस वही हैं आपके लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो आपका जो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो है इन द स्टार्टिंग दे यंग मैन वॉज। तो ठीक है, इन स्टार्टिंग में जो था जवान आदमी वो कैसा था, तो वो स्ट्रांग था। जो जवान, जाहिर सी बात है जवान होगा तो स्ट्रांग होगा ही, ज़्यादातर चांसेस यही हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द यंग मैन हैड एन अटैक ऑफ। ठीक है, तो यंग मैन को किस चीज़ का बीमारी हुआ था, किस चीज़ का दौरा आया था, तो यहाँ पे देख लीजिए आपका जो है इन्फ्लुएंजा। क्या है? इन्फ्लुएंजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द यंग मैन बिकम डेंजरसली इल बिकॉज ऑफ। ठीक है, तो किस चीज़ के लिए के कारण जो है बहुत ही बीमार पड़ गए थे, बहुत अधिक बीमार पड़े थे, तो यहाँ जो है आपका निमोनिया हो गया था उनको। क्या हो गया था? निमोनिया। यंग आदमी को क्या हो गया था? निमोनिया। इन्फ्लुएंजा के बाद निमोनिया होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। Formerly, the young man had no dash for the uninterested folk. ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आपको जो है यंग मैन को जो है किस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर है सिंपैथी। ठीक है, तो जनता का जो सिंपैथी मिलता था तो उसमें जो है उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था यंग मैन को। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है Who said it take to speak the truth one to speak another to hear? ठीक है, तो यहाँ जो है आपका किसने कहा था कि जो आपको कोई भी चीज़ जो है बोलिए ताकि जो है दूसरे लोग सुने, तो यहाँ पे जो है थॉरो बोले थे। कौन बोले थे? थॉरो। ठीक है, ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट अकॉर्डिंग टू सम पीपल थिंकिंग मनी फ्रॉम दोज हु हैव मनी एंड गिविंग इट टू दोज हैव नन मीन्स। ठीक है, तो देखिए अब किसने, अब यहाँ पे कह रहा है कि What according to some people taking, तो किसने कहा था कि some people taking from money, तो किसने कहा था कि कुछ लोग जो है पैसे लेते हैं और उन्हें देते हैं जिनको जो है इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो है सोशलिज्म का मानना है। किसका है? सोशलिज्म, सामाजिकता का मानना है। चलिए, समाजवाद का जो सिद्धांत लेके चलते हैं उनका मानना है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है Who wrote the piece of good manner? ठीक है, तो ये आपका VVI क्वेश्चन है, ये निश्चित रूप से आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसको निश्चित रूप से आप याद रखिएगा। तो यहाँ जो है आपका हु रोट द पीस ऑफ मैनर, जे सी हिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थॉरो वाज एन राइटर, तो कौन सा राइटर थे थॉरो? तो यहाँ जो है अमेरिकन राइटर थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है द एक्सपेरिमेंट कंडक्ट इन द यूनिवर्सिटी वाज, तो बुल फाइट हुआ था यूनिवर्सिटी में, आप लोगों को याद होगा अगर कहानी पढ़ी है आप लोगों ने, अगर नहीं पढ़ी है तो यहाँ देख लीजिए। चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है व्हेन यू स्पीक टू सम वन वॉट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ जो है तो आपका जो है गुड मैनर्स, जब आप किसी से बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत पड़ती है, तो गुड मैनर्स की, अच्छे नैतिकता की। चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए धन्यवाद आज के लिए, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में।